हेलो एवरीवन, क्या हम 1000 नाम के अलग अलग फोल्डर चुटकियों में क्रिएट कर सकते हैं? तो चलिए हम एक्सेल शीट पे चलते हैं। सपोज डैट आपके बॉस ने कोई 100 नाम दे दिए हैं और इन नाम के अलग अलग फोल्डर को क्रिएट करना है। तो हमें क्या करना है, हम एक फार्मूला का यूज करते हैं, डबल कामा और MD स्पेस डबल कामा और एंड का साइन करते हैं और इस सिंपली इस पहले सेल को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही पहले सेल को सेलेक्ट करेंगे, एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगा और इस डायरेक्टरी को हम ड्रैग कर लेंगे जितने भी हमारे नाम हैं। यहाँ पे मैंने अपना 105 नाम लिया है, आप कितना भी नाम ले सकते हो। यहाँ पे जैसे ही हम ड्रैग करेंगे, इन नाम से एक डायरेक्टरी को क्रिएट होगा, तो इसको सिंपली हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अपने नोटपैड पे आएंगे, नोटपैड पे आने पर इसे सिंपली पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम इन्हें सिंपली सेव कर लेंगे। सेव करेंगे, आप किसी भी नाम से कर सकते हैं। तो मैंने सेव .vat, बस ध्यान रखना है कि लास्ट में आपको .vat जरूर लगाना है। इसे हम डिस्प्ले पे कर लेते हैं। डिस्प्ले पे 100 नेम का मैंने फोल्डर बनाया है, इस पे करके हम सेव कर लेते हैं इसे। सेव करने के बाद अब चलते हैं अपने डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे आते हैं, डिस्प्ले पे हमारा फोल्डर है। फोल्डर पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, वैसे ही हमारी सारी फाइल जैसे ये डिस्प्ले पर हम क्रिएट करते हैं, हमारी सारी फाइल शो हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।